मुरैना जिले के केलारस शहर में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कार्यालय केलारस में पहुंचकर तहसीलदार को राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, वह निरस्त किए जाने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है और जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे। शिव नारायण दुबे, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केलारस। आज किस विषय में ज्ञापन दिया है? हमारे जिले के वरिष्ठ जन एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी सरकार के नीतियों के कुरीतियों के विरोध में एक जिले लेवल पर आंदोलन कर रहे थे जिलाधीश के कार्यालय के समक्ष। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने हमारे जिले के नेता और कार्यकर्ताओं के आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया। उस दमन कार्रवाई के बाद में प्रशासन द्वारा झूठी एफआईआरें हमारे ज़िले के सम्मानी नेता और सम्मानी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जो एफआईआर की है उसके विरोध में सारे ज़िले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपने अपने ब्लॉकों में एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय को और अवगत करा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के सारे पर जो कांग्रेसियों के झूठे एफआईआर हो रही हैं उन्हें आप तत्काल निरस्त करवाएं, अन्यथा नहीं करने की दिशा में जिले में और मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन होने की संभावना होगी। इसलिए आज हम सारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता एकत्र होकर श्रीमान तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने चेतावनी दी है कि हमारे जिले के नेता और कार्यकर्ताओं पर जो 40 लोगों पर झूठे मुकदमे दायर किए आज से 4-5 दिन पहले उन्हें तत्काल उन एफआईआरों को निरस्त किया जाए, अन्यथा नहीं करने की दिशा में हम लोग आंदोलन के लिए वो बात होंगे। मुरैना से गौरव गौड़ की रिपोर्ट।